फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिकोडिंग इंग्लिश विद डॉक्टर मनप्रीत। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ पोएम ऑन द रिसिट ऑफ माय मदर्स पिक्चर आउट ऑफ नॉरफोक, रिटन बाय विलियम कूपर। सो दिस इज अ वेरी फेमस पोएम, अ वेरी पैशनेट पोएम विच टॉक्स अबाउट फिलियल लव, एंड दिस इज एन एलिजी रिटन बाय कूपर। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट द पोएट विलियम कूपर। Born on 26 November 1731, died on 25th April 1800, he was a forerunner of romantic poetry. He wrote about everyday life and scenes of countryside. William Cooper जो है, he was the forerunner. Romantic poetry को उन्होंने एक different version दिया और उन्होंने हर रोज की जिंदगी के बारे में लिखना शुरू किया। सो इस तरह से ही यू नो चेंज द वे ऑफ द रोमांटिक पोएम। एंड देन ही रोट पोएम्स इन रिलीजियस सेंटिमेंट। कुछ टाइम वो बीमार रहे थे और जब वो बीमारी से रिकवर हुए तो उनका जो बेंट ऑफ माइंड है, जो उनका चेंज उनमें आया, सो देन ही स्टार्टेड राइटिंग विद अ रिलीजियस सेंटिमेंट एंड एसोसिएशन विद जॉन न्यूटन। सो इस तरह से उन्होंने कुछ रिलीजियस तरीके की पोएम्स लिखनी शुरू की। ही इज बेस्ट नोन फॉर ओल्ने हिम्स। 1779 में ये हिम्स लिखे गए एंड देन पोएम्स इन 1782 एंड ऑल्सो द टास्क इन 1785। आफ्टर दैट ही ऑल्सो रोट एंटी स्लेवरी पोएम्स। कुछ उन्होंने एंटी स्लेवरी पोएम भी लिखी, यानी कि गुलामी को दर्शाती हुई कुछ कविताएं उन्होंने लिखी, जिसमें एक बहुत फेमस पोइम जो थी, दैट वॉज द नीग्रोज कंप्लेंट, रिटन इन 1788। दिस पोइम विच वी आर गोइंग टू टेक अप ऑन द रिसिट ऑफ मदर्स पिक्चर, इट वॉज कंपोज इन 1790, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1791। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक एलिजी है। एलिजी क्या होती है? एलिजी एक सॉन्ग होता है या एक कविता होती है जो कि किसी की डेथ पर लिखी जाती है। इट इज एक्चुअली अ सैड पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ अ डियर वन, एंड दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू द मदर। इट इज अ होमेज गिवन टू कूपर्स मदर। एक्चुअली ही हैड लॉस्ट His mother at the age of 6. Cooper जब 6 साल के थे तब उनकी मदर उनको छोड़कर चली गई थी, और उसके बाद कई सालों बाद यू नो ही रिसीव्ड अ पोर्ट्रेट फ्रॉम द मिटर्नल आंट। उनकी माँ की एक तस्वीर जो है उनकी मिटर्नल आंट लेकर आई थी इन 1790, और उस मिटर्नल आंट का नाम था मिसेस बोधम। सो शी गिफ्टेड कूपर the portrait of the mother, and on seeing the portrait he was carried away by the filial love, he was carried away, he was reminded of the mother's love. तो वो उस भावनाओं में जब वो बह गए तो ये कविता तब उन्होंने 1790 में लिखी। After he was carried away, he was reminded of the impressions of the love, of the care of the mother. So let's just read the poem and understand it. Oh, that those lips had language! Life has passed with me but roughly since I heard thee last. So, on seeing the portrait को देखते ही कवि के मन में ये ख्याल आता है that he says, I wish. He just wishes. वो कहते हैं काश ये लिप्स जो है, काश ये बोल पाते, काश इनमें लैंग्वेज होती, क्योंकि जो पोर्ट्रेट थी वो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल सजीव थी और वो अभी जीवित हो जाएगी, तो उनको लग रहा था कि काश ये बोल पाती। और लाइफ हैड बिन रफ विद हिम, ही हैड बिन लिविंग अ रफ लाइफ। माँ के बिना जो जिंदगी थी उनकी बहुत अधूरी थी। एंड ही सेज दोज लिप्स आर दाइन, thy own sweet smiles I see, the same that oft in childhood solaced me. He says these are the lips, these are the smiles. ये वही smiles हैं, ये वही lips हैं जो वो बचपन में देखा करता था जब माँ को,
और वो माँ जब उसको प्यार से सहलाती थी, जब बहुत ज्यादा प्यार से उसको बुलाती थी, तो पोएट यू नो ही इज रिमाइंडेड ऑफ ऑल दोज मोमेंट्स, ऑल दोज लव विच ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम द मदर. वॉइस ओनली फेल्स एल्स हाउ डिस्टिंक्ट दे से, ग्रीव नॉट माई चाइल्ड, चेज दाई फियर्स अवे. ही सेज ओनली द वॉइस इज फेलिंग. ये जो पेंटिंग है, ये जो पोर्ट्रेट है, ये इतनी सजीव है कि ऐसे लग रहा है कि अभी बोल पड़ेगी और यही बोलेगी कि उदास होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, यू शुड नॉट ग्रीव बिकॉज आई एम देयर विद यू. चेज योर फियर्स, किसी चीज से डरने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज आई एम विद यू. द मीक इंटेलिजेंस ऑफ दोज डियर आईज ब्लेस्ड विद द आर्ट दैट कैन इमोर्टलाइज. ही सेज आई कैन सी द डियर आईज, दीज आईज आर द सेम, दीज आईज आर सो अफेक्शनेट एंड ही ब्लेसेज द आर्ट. वो आर्ट को दुआएं दे रहा है कि क्या आर्ट है, बनाने वाले आर्टिस्ट ने क्या कमाल किया है दैट ही कैन इमोर्टलाइज. वो जो मॉर्टल चीज है उसको उसने इमोर्टल बना दिया है. द आर्ट दैट बैफल्स टाइम्स टिरेनिक क्लेम टू क्वेंच इट. नाउ हियर टाइम हैज बीन परसोनिफाइड, टाइम को यहां परसोनिफाई किया गया है. दिस इज अगेन अ लिटररी टर्म, परसोनिफिकेशन. परसोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम नॉन लिविंग चीज को एक लिविंग का रूप देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ परसोनिफिकेशन. और यहाँ क्या किया गया है? टाइम को परसोनिफाई किया गया है. टाइम हैज बीन परसोनिफाइड एंड ही सेज दैट आर्ट हैज सच अ पावर दैट इट कैन यू नो गो अगेंस्ट इट. ही द आर्ट कैन गो अहेड ऑफ गॉड एंड इट हैज इमोर्टलाइज्ड इट एंड इट हैज द क्लेम टू गो अहेड ऑफ द टाइम. हियर शाइन्स ऑन मी स्टिल द सेम. और आज भी वो टाइम अभी भी वैसा ही है. फेथफुल रिमेम्बरेंस ऑफ वन सो डियर, ओ वेलकम गेस्ट दो अनएक्सपेक्टेड हियर. He says this is a faithful remembrance. This is a welcome guest. This portrait is like a welcome guest. वो उसके लिए एक गेस्ट के बराबर है जिसको वो वेलकम कर रहा है इतनी खुशी से. एंड इट इज वो सो अनएक्सपेक्टेड. उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे ऐसा कुछ मिलेगा और वो बहुत खुशी से उस चीज को इंजॉय कर रहा है. Who bids me honor with an artless song, affectionate a mother lost so long. He had lost his mother so long and he can still feel the affection of the mother through the portrait. I will obey not willingly alone but gladly as the precept were her own, and while all face renews my filial grief, fancy shall weave a charm for my relief. He says this is the time when he is reminded of the mother and it reminds him of the childhood grief. जब बचपन में वो उसको इतना ज्यादा वो sad था, वो इतना ज्यादा दुखी था कि माँ उसको छोड़कर चली गई. And now the fancy, fancy means the imagination, it will relieve him because he can imagine that the mother is near him. So he is imagining this. Shall steep me in Elysian reverie. Elysian reverie means abode of Elysium. A momentary dream that thou art she. So with the help of imagination, he can imagine that the mother is with him. He can feel the mother near him. So the poet is very much solaced. The poet is very much happy to, you know, to receive the painting, and he is very happy, he is very satisfied with it. My mother, when I learned that thou was dead, say, wast thou conscious of the tears I shed? He says, my mother, jab tum mujhe chhod kar gayi thi,
क्या तुम्हें पता है कि आई वॉज सो सैड एंड हाउ मच आई क्राइड, कि मैं कितना रोया था? क्या तुम्हें जरा भी आभास है उस चीज का? होवर्ड दाई स्पिरिट ओवर दाई सोरिंग सन, रिच इवन देन लाइफ जर्नी जस्ट बिगन. ही सेज योर स्पिरिट वॉज नियर मी, तुम्हारी आत्मा कहीं आसपास ही थी, लेकिन आई वॉज अ रिच, मैं इतना ज्यादा रेचर्ड फील कर रहा था. आई वॉज डाउन इन द डम्प्स एंड माई लाइफ जर्नी हैड जस्ट बिगन. उसी तरह उसी पल मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी और उसी पल खत्म हो गई. परहैप्स दाउ गेविस्ट मी दाउ अनसीन अ किस, परहैप्स अ टीयर इफ सोल्स कैन वीप इन ब्लिस. मे बी वो कहता है मदर शायद मुझे प्यार भी कर रही थी, मेरे आसपास ही थी, एंड मे बी शी किस्ड मी ऑल्सो, लेकिन मुझे पता नहीं लगा बिकॉज आई वॉज जस्ट अ चाइल्ड. आई नेवर न्यू दैट मदर वॉज देयर एंड आई जस्ट केप्ट ऑन क्राइंग. आ दैट मेटर्नल स्माइल, इट आंसर्स येस. एंड द मदर इन द पोर्ट्रेट स्माइल्स एंड शी सेज येस, आई वॉज ऑलवेज विद यू, आई हैड नेवर लेफ्ट यू. Even when you were a child, when you were crying, I was with you. I was solacing you. मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार कर रही थी और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा तसल्ली भी दे रही थी. So we stop here and we'll continue in the next video. Thank you so much.